हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो स्टॉक रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग 0% है, लेकिन रिटेलर्स का भी होल्डिंग कुछ उतना है, मतलब प्रोमोटर्स का होल्डिंग 0% रहता है, तो एटलीस्ट 90% तो रिटेलर्स का होल्डिंग रहना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 50%, टू बी एग्जैक्ट 51.30% है जो रिटेलर्स का पैसा, मतलब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगा के रखे हैं। प्रोमोटर्स भले ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगा के रखे हैं। तो कंपनी क्या करती है, पॉली पैकेजिंग रोल बनाती है, उससे रिलेटेड बिजनेस करती है। बनाती है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस पॉली पैकेजिंग रोल से रिलेटेड है। ये जो पॉली पैकेजिंग रोल है, इसका फ्यूचर अगर देखें तो सब कुछ 90% स्टोर भी, पहले जब अमेज़न फ्लिपकार्ट नहीं था तो इसका इतना डिमांड नहीं था, अभी अमेज़न फ्लिपकार्ट मिंत्रा कितने सारे कंपनीज आ गए हैं, तो इनका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो उसके बाद अगर पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फ्यूचर तो हो गया पॉजिटिव, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और आज ये कंपनी लोअर सर्किट में क्लोज हुई है। कल से ये कंपनी गिर रही है, कल 52 वीक हाई देके हाई लगा के कंपनी फिलहाल अभी गिर रही है। 2 दिन हो गया लोअर सर्किट में बंद हुए, मतलब दो दिन इसने लोअर सर्किट में क्लोजिंग किया है। तो आज ऑलमोस्ट BSE में लिस्टेड स्टॉक है, आज ऑलमोस्ट 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 100% ही होगा CNC, क्योंकि लोअर सर्किट था, ट्रेडिंग हुई नहीं। ये हो गया। और जो मेजर नेगेटिव है कंपनी के बारे में, उसका है कि कंपनी का जो ROE है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है एंड प्रॉफिटेबल भी है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, तब आप लोगों को नेम भी दिखा दूंगा। ये आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, BSE में लिस्टेड स्टॉक है, आज लोअर सर्किट में क्लोज हुआ था, तो 100% डिलीवरी निकल के आएगा, ये जाहिर सी बात है। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो, एक सेकेंड गाइज, मुझे लगता है हाँ गाइज, ये वाला रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे ड्रॉ किया हुआ था, क्यों किया हुआ था पता नहीं, मतलब मैंने क्यों ड्रॉ किया था, लेकिन नीचे ड्रॉ किया हुआ था। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो, ये इसका, अगर मैं पहले भी वीडियो बना था यहाँ पे, तो मैं बोलता कि 0.6 में बाय करना, 0.6 प्लस, और 0.6 के बाद आप लोगों को एंटर करने का मौका मिला है, और सेल कर देना होल्ड फॉर द टारगेट्स ऑफ 0.93 के अराउंड सेल करके निकल जाना 93 पैसे के अराउंड। तो अब आगे क्या करना है, स्टॉक में फ्रेश एंट्री कहाँ लेनी है, अगर अच्छा है कि 0.6 अगर 60 पैसे के लेवल से अगर बाउंस बैक दिखाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर फिर से नीचे चली आती है तो 0.4 के लेवल्स में, मतलब 0.4 से बाउंस बैक दिखा सकती है, लेकिन वेट कर जाना, बाउंस बैक के कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना। मान लो कि कंपनी 0.4 से नीचे चली जाए अगर, तो आराम से आप लोगों को 20 पैसे तक की लेवल, 20 पैसे से भी नीचे की लेवल आप लोगों को दिखा सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक कंफर्मेशन के टाइम ही आप लोग एंटर करना, क्योंकि आप लोगों के पास कंफर्मेशन रहेगा। अगर मान लो कि बाउंस बैक कंफर्म नहीं हुआ, आप लोगों ने एंटर कर लिया, तो आप लोग गंदा फंस सकते हो, और आप लोगों को मतलब 50% to 60% भी लॉस बुक करना पड़ सकता है, यह ध्यान में रखना। तो बेटर यही है कि वेट कर जाओ और बाउंस बैक के बाद ही एंटर करना। अगर मान लो कि आप लोग को यहाँ पे बाउंस बैक के टाइम मिलता है, तो 0.41 के लेवल्स में बाई करके चल सकते हो, या तो फिर 0.42 के लेवल्स में बाई करके आराम से चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 0.60, और जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो 0.93 के निकल के आएगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखा देती है तो 0.93 का टारगेट आराम से ये अचीव कर देगी। उसके बाद फिर से इसका जो सेकेंड टारगेट रहेगा 0.93 के बाद, वो रहेगा 1 रुपया 20 पैसे के अराउंड, 1.19 या तो फिर 1.15 to 1.19 के लेवल्स के बीच में रहेगा, मतलब एकदम स्ट्रेट 20 पैसे का गेन पर शेयर, अगर ये फर्स्ट से ये वाला सेकेंड तक जाता है। और यहाँ पे तो 30 पैसे पर शेयर, यहाँ पर जो मार्जिन है वो 30 पैसे पर शेयर है, यहाँ पे मार्जिन 20 पैसे पर शेयर है प्रॉफिट। ये हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, एक बार कितना डिलीवरी परसेंटेज हुआ है, मतलब डिलीवरी तो 100% ही होगा, लोअर सर्किट विदाउट ट्रेडिंग है, कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, पेजल का ही खुला हुआ है, और जो ट्रेड डेट है आज का ही है, क्वांटिटी ट्रेडेड, डिलीवरी परसेंटेज, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अभी फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आप लोगों को, ले चलते हो
फंडामेंटल्स की तरफ, कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या काम करती है, वो सब डिटेल में दिखाऊंगा। ये आप लोग पढ़ सकते हो, कंपनी क्या करती है, मेनली डीलिंग इन द सप्लाई ऑफ स्टॉक लॉट ऑफ पॉली पैकेजिंग रोल्स एंड ओवरले टिश्यू पेपर्स इन वेरियस साइज एंड इन ऑल्सो एंड इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग द सेम फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। मार्केट का 15 करोड़ के आसपास का निकल करता है, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है ये कंपनी। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं दी थी, फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक है कम्पेयर टू द 52 वीक लो। एक साल में ऑलमोस्ट 400% की रिटर्न देके जा रही है कंपनी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है अभी से, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी बन सकती है क्योंकि पहले भी ये अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली कैसा है, इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, लास्ट में बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। ROC परसेंटेज भी 3.4% और ROE परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 3% आप लोग बोल सकते हो। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.78 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, डिविडेंड नहीं देती, ये तो मैं काउंट नहीं करता कॉन्स में क्योंकि वो कंपनी अपना जो कॉस्ट प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो इन्वेस्टर का ही फायदा होगा। लो ROE है, एटलीस्ट ये पॉजिटिव में, ये आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी का अगर एक साल का रिटर्न देखोगे, उसके बाद अगर कंपनी का बिजनेस देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लायक है, मतलब 5 में से 2 मिल गया, मतलब 2 पॉइंट मैंने चेक किया, 2 में से 2 मिल गया इसे, अभी बाकी पॉइंट्स चेक करूँगा। क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हो सेल्स 0-0 हुआ है, लेकिन इसका जो अदर इनकम है वो इसे हर बार बचा लेती है, इसके चलते कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, मतलब कभी कभार लॉस देती है लेकिन पिछले 4 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट देते आ रही है, और प्रॉफिट जो है 50 लाख से 57 लाख के बीच में है। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट सितंबर 2020 के बाद अपडेट नहीं हुआ, दिसंबर 2020 या मार्च 2021 जून 2021 में अपडेट नहीं हुआ, तो बॉर्डिंग्स कितना है वो पता नहीं चल रहा है यहाँ से। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो भी फिर से अपडेट नहीं हुआ है, डिप्टर डेज भी अपडेट नहीं हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर के बाद से अपडेट नहीं दिखाई दिया है यहाँ पे। तो अगर वही देख के चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, वो देख के आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बेकार है तो लॉन्ग टर्म में 10 में से इसे 5 दूंगा, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, इसका बिजनेस आइडिया भी अच्छी खासी निकल के आती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट गायब है, ये गायब है, वो गायब है, और जो कंपनी का जो सेल्स है वो भी 0 है, इसीलिए मैं 5 out of 10 दूंगा। अगर आप लोगों को होल्ड करना है तो होल्ड करके चल सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिया है। बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर खुद के रिसर्च ऐड कर लेना, या सिर्फ एडुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल सकते हो, या तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हो। कुछ भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार आप लोगों के पैसे का सवाल है, तो खुद के रिसर्च ज़रूर ऐड कर लेना। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा पक्का, या तो फिर अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो DM कर सकते हो IG पे, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा।